न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी सुर्खी और बड़ी खबर है, जहां पर चर्चा का विषय बनी है शिवराज सरकार के कृषि मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के भाषण का अंश। पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस के अवसर पर निकली क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा के खरगोन जिले के भिकनगांव प्रवेश पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का भाषण चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, कमल पटेल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जननायक टंट्या मामा का पुनर्जन्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि यह पुनर्जन्म हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। कमल पटेल ने टंट्या मामा और शिवराज सिंह चौहान में समानता बताते हुए यह भी कह डाला है कि टंट्या मामा दुबले पतले होने के कारण मामा कहलाते थे और हमारे सीएम भी टंट्या मामा जैसे दुबले होने के कारण मामा कहलाते हैं। कमल पटेल ने यह भी कहने लगे कि टंट्या मामा जैसे कन्या विवाह करवाते थे, वैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कन्या विवाह करवा रहे हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा कि वे अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटते थे और हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा लूटते तो नहीं है, पर हम अमीरों से टैक्स लेकर प्रदेश के गरीबों में बांटते हैं। आपको बता दें कि कमल पटेल का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए कमल पटेल के भाषण के अंश को सुनिए, वे क्या कह रहे हैं। 43 और 47 साल की उम्र में कुर्बान हुए, शहीद हुए देश के लिए, लेकिन हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, मानते हो कि नहीं मानते हो पुनर्जन्म। एक टंट्या मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंट्या मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंट्या ही है, दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंट्या मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंट्या मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे, हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों पर लगाते और गरीबों में बांटते, समानता है। तो एक तरह से ये कह ले कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो